Today we will discuss what is the mortgage, who is the mortgagor, and who is the mortgagee, what is the mortgage deed, and what are the liabilities and the rights of the mortgagor. First, the mortgage. Mortgage is a property of transferring the property and in advance securing interest of loan. For example, A or B है. A के पास property है, तो वो जो A है उसने B को प्रॉपर्टी वो दे दी है, मॉर्गेज कर दी, और इन रिटर्न उसे उसको पैसे मिल रहे हैं. तो दैट इज़ दी मॉर्गेज. मॉर्गेजर और मॉर्गेजी कौन होते हैं? मॉर्गेजर वो होता है कि जो प्रॉपर्टी दे रहा है वो होता है मॉर्गेजर, और जिसके इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी आती है तो उसको हम बोलते हैं मॉर्गेजी. जैसे हमने जैसे एग्जाम्पल लिया था ए और बी का, ए है वो हो गया मॉर्गेजर और बी हो गया मॉर्गेजी. और फिर आता है मॉर्गेज डीड. जब दोनों पार्टीज़ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है एंड एंटरिंग ऑल द टर्म्स एंड द कंडीशन, देन इट इज़ अ मॉर्गेज डी. देन नाउ वी विल डिस्कस द राइट्स ऑफ इट. फर्स्ट, राइट ऑफ रिडेम्पशन. रिडेम्पशन का मतलब ये होता है कि हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उसके करके कोई मनी इन रिटर्न हमें मिल रहा है. तो अगर हम मॉर्गेज में बात करें तो राइट ऑफ रिडेम्पशन का ये मतलब होता है कि जब मॉर्गेजर को उसकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है तो जो उसका राइट है, राइट ऑफ रिडेम्पशन ख़त्म हो जाता है. तो इसमें हमने तीन एक्सेप्शंस बता रखे हैं कि राइट ऑफ रिडेम्पशन कैसे ख़त्म होता है. जैसे कि बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ खुद ही वो जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी दे देता है. बाय द एक्ट ऑफ लॉ, थ्रू लॉ के थ्रू एक्ट ऑफ लॉ दे गेट द प्रॉपर्टी बैक. फिर होता है डिग्री, एक डिग्री पास होती है कोर्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है वो ख़त्म हो जाता है. फिर हम बात करते हैं राइट टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू द थर्ड पार्टी. जो मॉर्गेजर है वो कभी भी मॉर्गेजी को ये बोल सकता है कि आप मेरी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को बेच दो, क्योंकि मेन ओनरशिप तो मॉर्गेजर के पास है, तो वो उसका वो जब भी उसकी मर्जी है, क्योंकि उस कि वो कभी भी किसी को भी बोल दे कि आप मॉर्गेजी को कब एट एनी टाइम क्या मेरी प्रॉपर्टी बेच दो. फिर आता है सेकंड, राइट टू इम्प्रूवमेंट्स. अगर कोई भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी में मॉर्गेजी को इम्प्रूवमेंट्स करता है तो जो भी पेमेंट होगी ना वो मॉर्गेजर मॉर्गेजी को ही देगा. फिर आता है राइट टू इंसेप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट. ये सेक्शन अबेंड हुआ था 1929 में, जो बोलता है कि जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेजी को कभी भी बोल सकते हैं कि आप जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो मुझे दे दो. तो जो भी पैसे इनकर्ड होंगे कॉपीज़ को लेकर और ट्रैवल का एक्सपेंस, वो सारा जो होएगा वो भी मॉर्गेजर मॉर्गेजी को ही देगा. देन कम्स दी ड्यूटीज़. ड्यूटीज़ पहले आती है ड्यूटी टू अवॉइड वेस्ट. अगर कोई भी मॉर्गेज डीड में कोई भी एक तरह से कोई भी वेस्ट होता है तो दैट इज़ बीन दैट इज़ अगेंस्ट द प्रॉपर्टी. दो टाइप के होते हैं वेस्ट, एक तो परमिसिव और एक्टिव वेस्ट. परमिसिव वेस्ट वो होता है जिसमें थोड़ा सा बहुत कम नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी को. एक्टिव वेस्ट वो होता है कि जिससे प्रॉपर्टी को इतना बड़ा नुकसान हो गया कि उसकी वैल्यू ही गिर गई है, तो दैट इज़ एन एक्टिव वेस्ट. फिर आता है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर डिफेक्टिव टाइटल. अगर कोई भी प्रॉपर्टी में डिफेक्टिव आता है, जो मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी दी है, तो जो लाइबिलिटी होगी मॉर्गेजर की वो उसको कंपनसेट करेगा मॉर्गेजी को, जितना भी डिफेक्ट हुआ है. देन कम्स दी ड्यूटी टू कंपनसेट दी मॉर्गेजी. इसमें ये बताते हैं कि जो मॉर्गेजी है, अगर कोई भी जैसे टैक्सेस या पब्लिक चीज़ पब्लिक चार्जेस कुछ भी पे करता है, तो जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेजी को पूरा वो देगा, कंपनसेट करेगा कि तूने जितने भी मेरे इसमें प्रॉपर्टी में जो भी टैक्स पे कर रहा है या कोई भी चीज़ से रिलेटेड, तो जो मॉर्गेजर होगा वो मॉर्गेजी को पे करेगा ही करेगा, इससे कोई भी नहीं रोक सकता.
अगर जैसे मॉर्गेजी नहीं पे करता तो जो है मॉर्गेजी वो सू कर सकता है मॉर्गेजर को, इनकी उसने कुछ पे नहीं करा कि मैंने इसके सारे चार्जेस पे करे, बट ही इज़ नॉट एबल टू कंपनसेट मी। थैंक यू सो मच।